বস্তৰ অঞ্চল কথা বস্তৰ যি সংসদীয় ক্ষেত্ৰ অঁ খাছ কৰি কণ্ডাগা অঞ্চল কথা কয় এমতিকি চিত্ৰকোট কথা কয় সুকমা কথা কয় সবু অঞ্চলৰে নক্সলমানক বেছ দবাদ ৰে বিগত দিনৰে মানে তৰ দবা জাহিৰ কৰি অঞ্চল পাখেৰে যি কাকেৰ অঞ্চল লাগিছে কাংকেৰ কিছুদিন তলে সুৰক্ষা কৰ্মী দ্বাৰা যি নিপাত হৈছিল যন জক্সল তলৰে যোন ভোটৰছ মানে অতি সকাু চাালু লম্বা লাইন লগাইকি অতি ত' খাছ কৰক যেতিবা আমি এই অঞ্চল কথা কয় কণ্ডাগা অঞ্চল এই অঞ্চলৰে সবুবাৰে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি মধ্যৰে কড়া টকৰ ৰৈ থাকে মই কামেৰা পৰচন কোনো অনুৰোধ কৰি সেই দৃশ্য দেখিব ইয়ে হ'ল বিকাশ নগৰ দৃশ্য দেখি পাৰিব আপোনাৰ যোনভ ভাৱে সুৰক্ষা কৰ্মী মানুহ নিজ নিজ কৰা যায় এইবিলাক ভাৱে সুৰক্ষা কড়া কড় ভোটৰ মানে যিমানে আছুন সেই প্ৰশাসন তৰফু সবু কিছু ব্যৱস্থা কৰাইচ হ'ল গোটেই পিংক বুথ মই আকৃষ্ট কৰিবলফি পইণ্ট অঁ কি জাগে পুৰুষ মানুহ আকৃষ্ট কৰিব সবু ব্যৱস্থা ৰশাচন তৰফৰু বহুত কিছু ব্যৱস্থা কৰাইচি ত' কিছু ভোটৰছ অঞ্চলৰ জনে বৰিষ্ঠ নাগৰিক অতি তহিত আলোচনা কৰিব যে इलेक्शन अच्छी जो गणतंत्र और महापर्व रे जो शामिल है कि तंको कितने एक्साइटेड से मैंने अच्छा एवं कौन कहे विषय है सर पहले तो आपको स्वागत है सर और न्यूज़ में कैसे लग रहा है सर चुनाव जो पाँच साल के बाद आता है आप ये जो चुनाव में शामिल हो के आपको कैसा लग रहा है तो उत्साह है भैया चुनाव में तो उत्साह है क्योंकि मैं तो साढ़े छः बजे से आके खड़ा हूँ लाइन में अभी लाइन में अभी अब भीड़ होते जा रही है क्या मैं साढ़े छः बजे इसलिए आ गया था कि बाद में भीड़ हो जाएगा गर्मी है करके चुनाव का सबको उत्साह बहुत है अभी सब वोट डालने के लिए सब इच्छुक हैं अभी यहाँ पे जो नक्सलियों का दबदबा हर टाइम रहता है फिर भी लोग निकल के वोट दे रहे हैं फिर भी लोग यहाँ चढ़ के आके वोट दे रहे हैं तो इससे कैसा लग रहा है यहाँ पे जो अभी जो व्यवस्था किया गया है प्रशासन के तरफ से कुछ डर है यहाँ पे यह अभी नक्सलियों का को कोई डर नहीं है अभी सब उत्साहपूर्वक सब वोट डालने के लिए आ रहे हैं यहाँ किसी को अभी पहले जैसे नहीं है पहले था अभी कोई डर नहीं है सब आ रहे हैं यहाँ पे जो चुनाव होता था, था पास्ट में जो चुनाव हुआ है वो समय का स्थिति कैसा था इलेक्शन का स्थिति अभी किसी कौन कौन सा पार्टी के बीच में कड़ा टक्कर होने वाला है क्या बताएंगे इसके बारे में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी मतों से यहाँ विजय प्राप्त की थी सुश्री लता हु जी ने और अभी कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ये बीजेपी प्रत्याशी प्रत्याशी महेश कश्यप जी के बीच भारी टक्कर है दो प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी के मध्य है और जो वरिष्ठ नागरिक हो चुन थी रिएक्शन नवा सर कैसा लग रहा है ये जो महापर्व में शामिल हो के आपको कैसा फील हो रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसा पर्व आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं तो बोलता हूँ पाँच साल में एक बार आता है बड़े उत्साह के साथ लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए और बहुत ही अच्छा ये समय है और सुबह सुबह के समय हम लोग आए हैं वोट दिए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और आने वाले समय में भी और भी लोग आएंगे और भी अच्छे से वोट करेंगे यहाँ पे राजनीतिक हालचाल कैसा है हर टाइम यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा टक्कर होता है ये साल और ये इलेक्शन को आप किस नज़रिए से देखते हो सर ये ये समय बहुत ही टफ है बहुत ही बहुत ही अच्छा ये हो रहा है दोनों में बहुत ही कड़ा टक्कर है कवासी लखमा हैं, कांग्रेस से और बीजेपी से हैं महेश कश्यप दोनों में बहुत टक्कर है नए नए प्रत्याशी हैं कवासी लखमा तो पुराने प्रत्याशी हैं महेश कश्यप एकदम नए प्रत्याशी हैं अब दोनों में देखते हैं कौन किस कितना पछाड़ सकता है ये ही यहां की कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही यहाँ पे रहते हैं बाकी कोई तीसरे पार्टी का उतना जोर नहीं रहता है यहाँ विधानसभा इलेक्शन में तो पूरा उल्टा नतीजा आया था ये टाइम कैसे नतीजा आ सकता है और ये जो बीजेपी का सरकार है यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं कैसे बीजेपी का सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ भी अच्छा काम कर रहा है देश में भी अच्छा काम कर रहा है और हमको तो ये लगता है कि आने वाले समय में भी और अच्छा काम करेगा यही हम हमारा अपेक्षा भी है और यही हमारा सोच भी है सुरक्षा व्यवस्था कैसे किए हैं यहाँ पे जो आते हैं वोटर्स उन वो कोई उसके अंदर डर रहता है वोट देने के लिए आते हैं नक्सली का गढ़ माना जाता है ये नहीं नहीं यहाँ नक्सली का गढ़ माना जाता है लेकिन यहाँ पे नहीं है ये जो सिटी एरिया है सिटी एरिया में उतना कोई डर नहीं है रूरल एरिया में था मतलब देहातों में था लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है उसके बाद भी पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है और यहाँ से करीब-करीब मैं समझता हूँ कि खत्म हो चुका है जो थोड़े बहुत बचे हैं तो बीजापुर सुकमा कोंटा आउटसाइड में हैं इधर नहीं है उतना ज्यादा क्या जितु आरम जी गणतंत्र महा पर्व सहित 2 टी सीट पे वोटिंग हेउची ये छत्तीसगढ़ अपन चित्र देखुतिले यदि आपन को हम भल लागिला तेबे हम चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी बोलंतो